हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि केतली कैसे खोली जाती है और मशीन का हेड में नट कैसे लगता है, नट प्लेट कैसे लगती है और वेल्डिंग जो करते हैं वर्मों पे, रिपेयरिंग वर्मों की, वो कैसे वेल्डिंग करते हैं वो दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। बाकी आपके कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, इसके लिए आई एम सॉरी। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन का घंटा ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। यह है मशीन का हेड और इसमें हमने ब्रम की सेटिंग कर रखी है और ये इधर साइड सापट जिसमें पुली चलती है, नीचे एक पुली चलती है एक ऊपर, और यह है कॉलबरम। उसके बाद 5.5 इंची के भी, फिर उसके बाद 3.5-3 इंची के 2 बरम, 2.5 इंची का RT और 2.5 इंची का रम। यह है केतली जो ऊपर सरसों डलती है जिसमें इसका नट खोला जा रहा है। यह नट खोलने के बाद फिर इसका गेयर निकालेंगे। ये गरारी है, ये गरारे निकल गए। अब इसके बाद इसको पलट के, ये इसके बीच का भर्ती है, इसको पलटने के बाद फिर इसकी ये सापट निकालेंगे। ये इसकी सापट भी निकल गई। ये हो गया इसका सापट और पंखा। अब इसका ये सीट बनना है, ये इसमें बैरिंग डला हुआ है। बैरिंग निकालने के बाद फिर उसका सीट बनेगा और ये नट है पंखे का। अब ये पंखा निकालेंगे, फिर इसके बाद दिखाते हैं आपको। ये सापट में अगर खल चिपक जाता उसकी सफाई करके फिर निकालेंगे। निकल गया सापट, पंखा अलग हो गया, सापट अलग। अब ये हेड का काम हो रहा है, ये प्लेट है, इस प्लेट को लगाया जा रहा है। इसको नहीं लगाने से हेड स्लिप पीछे हो जाता है, इसलिए ये प्लेट लगानी पड़ती है।
ये प्लेट का उल्टा सीधा भी देखना पड़ता है किधर से लगता है। इसका यह सुराख साफ किया जा रहा है, सुराख में खल भर गया है। तो पतली चीज लेट होगा, इससे पतला नट लगे देखते होगा। तो खल भरने के बाद आग लगाने से जल के वो चल गया है। कोई पतला नट लगे तो नट यार कुछ इसको ठोक के निकाला जा रहा है। ठोको से ठोको मार 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 आर पार कर दे, आर पार कर दे। वासल है, वासल कम लंग डाल के ना सुना वासल वो उसका चिंता ना कर, दूर मत निकल यार, दूर ना निकल ले ना बच्चन का जीने का पूरा टाइम मत कोई निकाल अब नट डाल के ठोक ले बस टूट गया ना। घुमा ले एक बार, घुमा ले उल्टा 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 और थोड़ा बस 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 पतला राड देगा।
छेद बंद है इसका, तो फिर रहने ही दे, जरूरी है इन्हें डालना। ऐसे भी काम होने होता है, टूट कर जाता है, लोड में रहने से ठीक है ना, आदमी डाल देते हैं, बड़ा मशीन होता है, काट देते हैं सबको याद से जाए। फोन कल घस गया ना, फोन बैठ गया ना, बोर में दब गया ना, फिर टूटा में फेंक देता है सब। जब छेद ही नहीं मिल रहा, फिर एक काम करो, या तो खून इसको पूरे से चप्पल निकालो बाहर, तब जाके ऐसा छेद मिलेगा। जितना मिलता उतना मिला दे, ये खराब था यार, तुम करना बराबर सही का होता है ना, खुला होता है ना। ये जब तक ये इधर ये करता है, जब तक और मशीनों का वीडियो और मशीनें दिखा देते हैं। ये इधर इस मशीन को बना ही रहा है, और इधर है ये दूसरी मशीन जो खुलने के लिए आई हुई है, जिसको बांधना है अभी। मशीन कंप्लीट बंद चुकी है, इसका आगे का ब्रैकेट लगाना बाकी है। क्या हमारे वर्कशॉप का व्यूज, जो हमारा वर्कशॉप है भिवानी हरियाणा में, सामान तैयार हुए हुए हैं जो वेल्डिंग करके पिसाई करके खराद होकर तैयार है, ये बड़ी मशीनों के हैं। और यहाँ पे वेल्डिंग किया जा रहा है बर्मों पे।
ये ब्रम का डाया ऊपर का जो है घिस जाता है, वो वेल्डिंग किया गया और ये लैथ मशीन पे कम प्रेशर की पुली की हुई है और इसका बोर किया जा रहा है। जो आपने बाहर इंजन देख रहे हैं उसी की पुली है ये। ये कंप्रेसर की पुली है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बाहर देखा वो इंजन के साथ। और ये बड़ी मशीनों की शाफ्ट है जो तेल मिल की बड़े प्लांट हैं उसमें ये शाफ्ट लगता है। ये शाफ्ट यहाँ पे कोलबरम चलता है, कोलबरम चलने की वजह से ये यहाँ पे कट गया है तो इस पे वेल्डिंग करके हम इसको लैथ मशीन पे चढ़ाएंगे। फिर इसके बाद इसका टर्न होगा, टर्न होने के बाद ये अपने साइज में आ जाएगा। और ये पूरे वर्कशॉप का व्यू जो आप देख रहे हैं। ये प्रेस मशीन है जिस पे शाफ्ट सीधी की जाती है। और ये उधर खड़ी है मशीनें जो रिपेयर के लिए आई हुई हैं, उन मशीनों का रिपेयर होगा। ये शाफ्ट वेल्डिंग हो रही है और ये इंजन और इसके साथ ये कंप्रेसर, इसको जॉइंट करेंगे। और ये बड़ी मशीनों की कोन है जिससे खल्ली निकलती है, उस पर माल भर के इसको टर्न किया जाएगा। और ये पुली बंधी हुई है कंप्रेसर वाली जो बोर किया जा रहा है, इसका बोर टर्न करके फिर उस कंप्रेसर में लगा दिया जाएगा जिससे कि इसमें हवा बनेगा। और ये कुछ सामान है जो रिपेयर किया हुआ है और ये सामान सारे रिपेयर हुए हुए हैं बड़ी मशीनों के। और यहाँ पे ये ब्रह्म अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले जो कि डाया पे माल चढ़ाया जा रहा था, अब इसकी गहराई जो अंदर की गहराई है वो भरी जा रही है। इस पे माल रखने के बाद ये वेल्डिंग होके कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे वो माल देख रहे थे पहले सफाई वाला, उसको फिर ऐसे घिसा जाएगा सान पे। सान पे घिसने के बाद इसकी नपाई होगी, नपाई होने के बाद साइज में पूरा करके फिर इसको मशीन में डाला जाएगा। तो देखते रहिए, ये अंदर माल भरा जा रहा है पूरा।
चलिए दोस्तों, अब ये बरम तैयार हो गया है, थोड़ा सा रह गया। अब वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए, जिससे हम आपको ऐसी ही वीडियो बना के दे सकें। और शेयर इसलिए कीजिए कि किसी को ज़रूरत हो तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।